ठीक है यहाँ सब ठीक तू भी लगा दियो जेल के अभी नहीं कैमरा तू भी लगा उधर से लगा ठीक है ये ले लो पहले ले ली सर बोटे हुए हमारे उज्जैन की बहुत लोग हमारे पहचान के इधर आ जाओ सर थोड़ा इधर आ जाओ इनकी दुकान भी चलती है दुकान तो चलती रहेगी एक काम करें जरा सा आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए तो ये माइक बूम बूम आप लोग हाँ एक ही आदमी कारोबारी बनाते हैं उद्यमिता के क्षेत्र में निवेश कराने के लिए सहयोग करते हैं हमारे यहाँ अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है और दिव्यांग वर्ग वित्त विकास निगम है इन चारों वित्त विकास निगमों से हम संबंधित वर्ग कारोबार करने के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में उद्योग वगैरह लगाने के लिए ऋण देते हैं ऋण की जो ब्याज दरें हैं वो सामान्यतः 4 और 5% अगर महिला है तो 3 और 3.5% ब्याज की दर पर देते हैं और इस प्रकार के जहाँ जहाँ मेले आयोजित होते हैं वहाँ हम उनको दुकान लगाने के लिए भी सहयोग देते हैं सामग्री लाने ले जाने के लिए भी सहयोग देते हैं और स्थान भी मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं हर मेले में ऐसा करते हैं विदेश में भी अगर मेले आयोजित होते हैं और हमारे इसमें से कोई आवेदन करता है तो हम वहाँ भी इनको भेजते हैं इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी इन वर्गों को हम प्रोत्साहित करते हैं स्टैंडअप योजना में भी वेंचर कैपिटल फंड योजना है जो सामान्यतः इन्हीं वर्गों में से लोगों को लाभान्वित हमने अनेक लोगों को अभी तक मैं ये कहूँगी इन 3-3.5 साल में हमने लगभग ऐसे 7.5 लाख लोगों को लाभान्वित किया है लोन दे करके और लगभग 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी इस प्रकार का ये छोटा मोटा जो कारोबार करते हैं इससे संबंधित भिन्न भिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग भी देते हैं ट्रेनिंग के दौरान मानदेय भी देते हैं अब हाट मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी प्रगति मैदान में जो ये मेला हमारी 90 दुकानें लगी इस बार हमको जगह कम मिली तो हमने एक एक में 2-2 कर दी अब एक एक में 2-2 करने से भी यहाँ जो दुकानदार आए हैं क्योंकि एक तो एक दूसरे का दूसरे राज्यों के लोगों के साथ और अलग अलग धंधे में लगे लोगों के साथ उनकी बातचीत और एक दूसरे के धंधों का अनुभव भी प्राप्त हो रहा है मैं सबसे मिला हूँ सब खुश है मैंने कहा कोई कठिनाई ये वो लोन लेने में उसमें सब ने कहा नहीं हमको कोई तकलीफ नहीं है और अभी अभी मेला समाप्त हुआ है उसमें भी लगभग 90 लाख से ज़्यादा का विदेश जो हमारे यहाँ से लोन लेते हैं यहाँ मैंने पूछा कि कैसा चल रही है और अच्छा लाभ देखो निश्चित रूप से इस प्रकार के मेले वगैरह जब होते हैं प्रचार प्रसार होता है तो नए नए उद्यमी पार्टनर्स आते ही हैं आने की आवश्यकता भी है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस प्रकार के कारोबार में लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया उन्होंने इसीलिए कौशल
विकास मंत्रालय की स्थापना भी की है, कौशल तक की ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ में लोन भी देते हैं। निश्चित रूप से जब लोगों को सरकार की ट्रेनिंग मिली है, लोन मिला है, तो इस प्रकार के कारोबार में सम्मिलित होते हैं, मेले वगैरह में आते हैं, यहाँ आए मुझे बहुत खुशी। थैंक यू।